नमस्कार दोस्तों, डिस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने 4 फीट के एंटीने की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसकी सेटिंग करना सीखेंगे, कैसे हम उसको सेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा सी बैंड का 4 फीट का एंटीना, चलिए इससे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी चलने नहीं क्या? ये हमारे इंस्ट्रक्शन है कैसे हमारे सामान को कहाँ पर क्या जोड़ना है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है सीरियल वाइज। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इसका सामान निकाल लेते हैं। ये इसके रिंग है, 2 रिंग होते हैं इसमें, और ये स्टिक है इसकी जो इस पर सपोर्ट करेंगे। चलिए इसे असेंबल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इन नटों को अलग अलग रखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कौन सा किसका है। चलिए हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। पहले हमने इनको अलग अलग कर लिया है, फिर अलग अलग करने के बाद हमें इस तरह से ये छोटे नट इनमें डालने हैं, इसमें इसमें, और आपको ये एक छेद छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब ये हमने ऐसे पेंच लगा लिए हैं, अब दूसरी को भी फिट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये सेट कर दिया है हमारे। अब अगला जो काम है, अब हमारे रिंग का काम है। अब हम ये क्लिप अपने रिंग के लिए लगा देंगे। आपको करना क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो आपने दूसरा छेद छोड़ा था ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे सारे के सारे चारों तरफ। चलिए ये लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये सारी की सारी क्लिप लगा दी हैं, 6 क्लिप हैं ये। अब इसके साथ में हमें अपनी सेटिंग करनी है रिंग्स की। ये मैंने सेट कर लिया है अपना रिंग, बड़े वाला नीचे आएगा। उसके साथ में आपको ये स्टिक जो बड़े वाली है वो इस साइड रखनी है, बड़े वाली जिसमें आपको ये पेंच वाला मिलेगा ताकि आप इसको ऊपर नीचे कर सकें। आप इसमें सेट कीजिए इसको, और जो बाकी 2 छोटे हैं मिलेंगे उनको इसमें और इसमें देख लीजिए आप। एक
इस एंगल को इसके साथ और इसके साथ, फिर आपको इस रिंग को ऊपर रखना है। आप देख सकते हैं एक छोटा रिंग आप ऊपर रखिए, इसमें डालिए और इसमें डालिए। इसके साथ दो जो ये स्टिक हैं, ये लंबे वाली हैं, आप इसके साथ में डालेंगे, जिसमें आपको ये छोटा बड़ा करने को मिलेगा। फिर आप जब ये सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे अपने इन क्लिप में डाल देंगे। चलिए डालते हैं इसे यहाँ से। अब इसे इसमें फिट करते हैं। ये नीचे वाला रिंग यहाँ पर आएगा। आपको ये क्लिप थोड़े लूज रखने हैं ताकि ये फिट हो जाए इसमें। अब ये हमारा फिट हो चुका है। अब इसमें हम अब ये नीचे जाके अब इनमें हम नट बंद कर देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। चलिए इसे बंद कर लेते हैं। इनके लिए स्पेशल 6 नट्स अलग से आएंगे, इस टाइप के ये 6 अलग हैं, तो उनमें ये फिट कर देते हैं ऐसे रिंग को डाल के। अब सारे के सारे नट हम कस देंगे इसको। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसको सेट करने में। आप इसके साथ जो मैप मिला है उसको देखते रहिए और धीरे धीरे करते रहिए। ये हमारा 4 फीट का तैयार हो चुका है। अब इसे जितने भी हमारे ये नट हैं लूज नहीं रहने चाहिए, ये टाइट कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब इसे सीधा करके हम अपने ये जो 3 पाइप हैं इनको लगाएंगे। ये 3 पाइप LNB के लिए हैं, सी बैंड के LNB के लिए। चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। अब ये हमने सीधी कर लिया अपनी। अब इसको हम अपने LNB के लिए पाइप लगा देते हैं। एक ये पाइप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लगाना है ताकि बीच में जाके सेट हो सके। चलिए लगा देते हैं। हमने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया है। ये अपना LNB के लिए हमने सेट कर लिया है, इसमें LNB डल जाएगी और ये ऐसे सेट हो जाएगा तीनों तरफ से। ये आपकी सी बैंड LNB की डिश कंप्लीट हो चुकी है। एंटीना, अब ये एंटीना आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसका ये अप डाउन का है। अब इसमें LNB हम सी बैंड की लगा लेंगे और देखते हैं चैनल कौन से आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। धन्यवाद।